अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्प्रिंग रोल। चिकन स्प्रिंग रोल ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई करने हैं। चले जी सीधे रेसिपी की तरफ आते हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। अब रेसिपी की तरफ आएँ और सबसे पहले हमने क्या करना है, पैन लेना है। उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल डाल के, मेरे पास चिकन का कीमा पड़ा हुआ था, ठीक है, चिकन कीमा पड़ा था, वो मैंने एक दिन मोमोज़ बनाए थे तो वो जो बाकी चिकन पड़ा था तो वो मैंने इसके अंदर रोल्स में यूज़ करना है। अगर आपके पास चिकन का कीमा मौजूद नहीं है तो आप चिकन वैसे भी पीस, छोटे छोटे पीस करके वो भी ले सकते हैं, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। बस आपको एक आइडिया देना है और आप लोग जैसे मर्ज़ी उसको यूज़ करें, ठीक है। मैंने चिकन को अच्छे से पका लिया है। उसके बाद जी उसमें मैंने गाजरें शामिल की हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ा सा प्याज। उनको जी आप लोगों ने लंबा लंबा काट के और फेंक देना है पैन के अंदर और इनको अच्छे से पका लेना है, ठीक है। ज़बरदस्त कलरफुल सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा और फिर इसके साथ जी हम अपने स्प्रिंग रोल बनाएंगे, जो कि रमज़ान में बड़े ही ट्रेंडी और बहुत ही पसंद किए जाने वाली चीज़ है, इसलिए आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अब आपने इसमें थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़े थोड़े स्पाइसेस डालने हैं। इसको ज़्यादा आप लोगों ने करारा शरारा नहीं बनाना, ठीक है। आप लोगों ने, क्योंकि रमज़ान में जब रोज़ा बंदा खोलता है ना इफ्तारी टाइम, तो इतनी करारी चीज़ें खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो आप लोगों ने इसलिए स्पाइसेस जो है वो थोड़े कम ही डालने हैं, तो क्योंकि मैदा भी ख़राब हो जाता है। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है। सारे स्पाइसेस जो है वो नीचे मेंशन है, आप लोग उसको नोट करें और आप लोग जल्दी से बनाएं। सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च, दड़ा मिर्च, नमक और ये चीज़ें आप लोगों ने ऐड करके तो इसको अच्छे से पका लेना है और फिर हमारा मिक्सचर तैयार हो जाना है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, रोल वाली पट्टियाँ लेनी है, रेडीमेड जो आप लोग बेकरी वगैरह से लेते हैं, ठीक है। अगर आप घर में बना सकते हैं तो घर में भी बना लें, उसकी भी मैं आपको लोगों को रेसिपी दूंगी। घर में बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये देखिए जी हमारा मिक्सचर जी अब तैयार हो चुका है तकरीबन। उसके अंदर हमने थोड़ा सा चिकन पाउडर डालना है। चिकन पाउडर बहुत प्यारी खुशबू देता है, आप लोगों ने चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके इतना पका लेना है कि हमारा कीमा भी पक जाए और थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स जो है ना वो भी थोड़ी थोड़ी पक जाएँ। बाकी उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेजिटेबल्स वैसे ही बड़ी मज़े की लगती हैं, ठीक है। इनको ज़्यादा नहीं वेजिटेबल्स को पकाना, इनको थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने कच्चा रहने देना है। उसके बाद आप लोगों ने एक पट्टी ली, इस तरह किया उनको, ये तरीका आप लोग अच्छे से समझ लें। और इसको आप लोगों ने ऐसे रोल करना है और फिर जो एंड वाला बचेगा उस पर आप लोगों ने मैदे की स्लरी मैंने बनाई हुई थी वो मैदे की बना के आप लोगों ने इसमें मैदे में मतलब थोड़ा सा पानी शामिल करके तो वो रोल के एंड पे लगाते जाना है और यूँ आप लोगों ने ना रोल तैयार कर लेने हैं। स्प्रिंग रोल ज़बरदस्त बनते हैं, मस्ट ट्राई करें आप इस रमज़ान। और जी मुझे फ़ीडबैक दें आप लोगों को कैसे बने हैं, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंचती रहें और आप लोग इन्जॉय कर सकें, ठीक है। ये सारे रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको जो है वो डीप फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा कलर आने पे जो है हमारे रोल जो है वो ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। फिर आप इनको खाएं और मेनू दुआमा दियो। ये देखें जी अब इनको फ्राई करने के लिए डाल दिया है। ऑयल जो है वो ज़्यादा भी गर्म नहीं कर लेना, बस थोड़ा बहुत गर्म हो आपका ऑयल जब आप रोल डालें। उसके बाद आप लोगों ने हल्की आंच पे रोल पका लेने हैं ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आप लोगों ने आंच तेज़ रखी तो रोल का कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से वो अजीब कच्चे से रह जाएंगे और बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। आप लोगों ने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, फ्लेम स्लो रखना है और फ्लेम स्लो के ऊपर आप लोगों ने इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर ले आना है, ठीक है। ये देखिए जी उलट पलट करते रहना है ताकि एक तरफ से पक जाए और दूसरी तरफ से कच्चा हो, ऐसा नहीं करना, इसलिए इनकी साइड जो है वो आप लोगों ने चेंज करते रहना है। और फिर जी हमारे रोल तैयार हो जाने हैं, फिर आप लोगों ने इफ्तारी के टाइम खाने हैं और टूट पड़ना है इन पे, ठीक है। बहुत मज़े के बनते हैं। अब आपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पर इनको निकाल लेना है, इसको किसी टिशू पर रखें या फिर अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसके ऊपर रखें और फिर आप लोग इफ्तारी के टाइम इसको खाएँ, चाहे रायते के साथ खाएं, चाहे इमली की चटनी के साथ खाएं, चाहे आप इसको केचप के साथ खाएं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप जैसे भी खाना चाहते हैं।
खाना मकसद रोल है, खाना जो बाकी जिसके साथ मर्ज़ी खाएंगे आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब आपको इसको थोड़ा सा गार्निश कर लें। ये रोल तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। मैंने इसके ऊपर ग्रीन अनियन फेंका है और ताकि अच्छा सा ग्रीनिश ज़रा टच आ जाए, और बहुत मज़े के रोल जो है हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। वैसे रोज़ा था तो मैं खा नहीं सकती थी, इसलिए जी आपको अंदर से मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कि अंदर से कितने मज़े के लग रहे हैं। और ये देखें जी, फ़ाइनल लुक है इसकी, ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है, और मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये देखें जी, अब एक रोल उठाया और ये जी आप लोगों को अंदर से तोड़ के दिखाया, कलरफुल सा रोल, ज़बरदस्त। चलें जी, अब आप इसको खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं फिर मिलूंगी आपको अगली रेसिपी के साथ। ये हाथ मेरे नहीं है, मेरे हस्बैंड के हैं। फिर मिलूंगी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।